चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगर मेरे स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द सेलेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स डेट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम ये होगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये होगा, पुलमिनरी वॉल्यूम डिक्रीज गलत होगा, इंट्रा पुलमिनरी प्रेशर डिक्रीज गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, तो 1 का हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही है, करेक्ट का मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम गलत होगा, एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ये भी गलत होगा, इंट्रा पुलमोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, क्योंकि इंस्पायरेशन करते हैं तो हाई प्रेशर की ओर लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं, तो बाहर का एटमोसफियर का हाई प्रेशर होगा और एल्वाइली का लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ये भी गलत हो, ये क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं डी। तो इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो ये गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, तो 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कैन एयर एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी नहीं होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नहीं होगा, वाइटल कैपेसिटी ये होगा, तो 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है 500, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, थाउजेंड रिस्पायरेटरी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा, तो एक्सपायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ई आर भी होता है। तो जोड़ लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है और ERV दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, तो इसके जोड़ लेंगे तो 1500 ML आएगा, तो ये हो जाएगा 4 का ये हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स गिवेन इन कॉलम 1 डेट विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन गिवेन बिलो। तो 5, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो जाए इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो जाएगा 2500 से 3000, ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा 1000 से 1100, तो ये हो जाएगा रेसिड्यूअल वॉल्यूम ये होगा, तो 1 का 3, 2 का B देख लेते हैं इसका आंसर। 1 का 3, 2 का 1 ये B सही हो जाएगा, तो 5 का B हो जाएगा। 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक्स द एल्वाइली दे डू नॉट कोलेप्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी नहीं होगा, टाइडल वॉल्यूम ये भी नहीं होगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी नहीं होगा, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम। 6 का डी। 7 का देखते हैं। 7 का द फिगर शो ए ड्रामेटिकली व्यू ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम विथ लेबल्स ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द ऑप्शन
विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। तो बी देखते हैं, बी का कहाँ दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, तो बी होगा यहाँ पे, होगा बी होगा यहाँ पे, तो इसको पढ़ लेते हैं। ए बी प्लूरल मेम्ब्रेन फ्रॉन्ट्स रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कस्टम अगेंस्ट रबिंग, तो ये नहीं होगा। तो बी पढ़ते हैं, मेन फंक्शन बोल रहा है, तो ए सी ये भी सही है इसे। तो बी नंबर देखते हैं, एल्वाइली थिन बाल्ड, तो ये सी हो जाएगा, एल्वाइली का दिया हुआ सी। तो एल्वाइली थिक बाल्ड वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये भी सही है। और देखते हैं सी नंबर, लोअर इंड्स ऑफ डायफ्राम, डी लोअर इंड्स ऑफ डायफ्राम पुल्स इन डाउन एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ए में देखते हैं, ये हो जाएगा। ए ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब सराउंडेड बाय कार्टिलेजेस फॉर कंडक्टिंग एयर, तो इसका बी हो जाएगा, मोस्ट सुटेबल आंसर बी होगा। तो एट का देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड्स टू ब्रीदिंग बाई मेकिंग कॉन्शियस इफॉर्ट, तो वन कैन ब्रीद आउट इन टोटली विदाउट ऑक्सीजन, ये नहीं होगा। वन कैन ब्रीद आउट थ्रू एस्पिरेशन ट्यूब बाई क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ, सही है। एट का बी सही है। नाइन नंबर देखते हैं, बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बॉडी टिश्यू इनटू ब्लड इज प्रेजेंटेज बाई कार्बोनेट इन ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी, तो नाइन का हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर टेन क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट बिलो आर फोर रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज एंड फोर जम्ड रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, नंबर टेन देखते हैं, लिस्टेड बिलो आर फोर रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज एंड फोर जम्बल्ड रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। पहला देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, वाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बी हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, थ्री होगा इसका, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर ये, क्योंकि 1100 से 1200 ये होता है, 1100 to 2500 to 3000 होता है, तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, टेन का बी हो जाएगा। फिर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लिंग्स, तो कार्बन डाई बाई कार्बोनेट होगा, 11 के ए हो जाएगा, 11 के ए बाई कार्बोनेट। फिर द क्वांटिटी 1500 ml इन रिस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट रेफर्स टू, ए में हो जाएगा, मैक्सिमम एयर डेट कैन बी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नहीं होगा। रेसिड्यूअल वॉल्यूम 1500 क्या होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम ही होता है, 1100 से 1200 होता है, तो एवरेज मान लिया जाए 1500 रेसिड्यूअल वॉल्यूम होगा, तो 12 का बी हो जाएगा। 13 का एयर इज ब्रीद थ्रू, तो ट्रेकिया लंग्स लैरिंक्स ये नहीं होगा, नोज लैरिंक्स फैरिंक्स ये भी नहीं होगा, एल्वोली ब्रोंकियल्स, एल्वोली ये पहले होता है, एल्वोली बाद में होता है।
तो सी नंबर नोस्टियो फेरिंक्स लैरिंक्स ट्रेकिया ब्रोंकियल ब्रोंकियल्स एल्वाइली सही है। तो 13 का सी। 14 देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर इन, कहाँ होता है, अकर इन RBC। 14 के सी होता है। 15 का अस्किन एसेसरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन इन फ्रॉग होता है। 16 का एल्वोली इपिथिलियम इज लंग्स इज इन द लंग्स इज द नॉन सिलिएटेड स्क्यूमस। 17 नंबर में देखते हैं, इंटरकोस्टल मसल अकर इन, कहाँ होता है इंटरकोस्टल मसल, रिब्स में होता है। 18 नंबर में देखते हैं, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, तो 18 18 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस माइनस प्लस टाइडल वॉल्यूम गलत हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गलत हो जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये भी गलत हो जाएगा, टोटल लंग्स माइनस रेसिड्यूअल वॉल्यूम ये सही हो जाएगा। 18 का डी। 19 देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंटरफेरेंस विथ ओ टू बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन गलत हो जाएगा। हाइयर एच प्लस कंसनट्रेशन इन एल्वाइली फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी हो जाएगा। तो 19 का बी। 20 देखते हैं, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस चेंजेज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीद, तो राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। 21 देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाई ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स एज बाई कार्बोनेट आयन्स। तो 21 के ए हो जाएगा, 21 के ए हो जाएगा। फिर 22 के देखते हैं, फिगर शोन एस्टिमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हुमेंस विथ लेवल्स ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेवल्स फंक्शन। पुलमोनरी आर्टरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स CO2, इतना ये गलत हो जाएगा। वेना केवा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट आर्टिकल पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू 45 mL ऑफ HG मरकरी, ये सही है, बी सही हो जाएगा। 23 देखते हैं, द फिगर गिवेन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवेन बिलो द वन पार्ट ABC और D इज करेक्टली आइडेंटिफाइड एलोंग विथ इट्स फंक्शन। तो ए सी में हो जाएगा, आर्टियल कैपिलरी पासेज ऑक्सीजन टू टिश्यू गलत है। बी में हो जाएगा, एल्वियोली कैपेसिटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज सही है। तो 23 के बी हो जाएगा। 24 देखते हैं, ए लार्ज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक द बॉडी टिश्यू, दिस ओ टू एड्स एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज सही है, मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। 25 का बीच टू ऑफ द फ्लोइंग चेंजेज ए टू डी
यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन ड्वेलर भिन दे मूव टू हाई एल्टीट्यूड 1500 मीटर और मोर तो इंक्रीज इन आर बी सी सेल्फ इंक्रीज इन आर बी सी साइज तो सही है। अगर अगर 35 एल्टीट्यूड से ऊपर बढ़ेगा तो आर बी सी का एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा 25 का, नहीं साइज नहीं इंक्रीज करेगा, ये गलत है जाएगा। इंक्रीज इन आर बी सी ब्लड प्रोडक्शन सही है। इंक्रीज ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग एंड इंक्रीज इंक्रीज इन थायमोग्लोबिन ये भी गलत हो जाएगा। तो वन और टू और थ्री, टू और थ्री सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, तो इसका हो जाएगा टू एंड थ्री सही होगा। तो ऑप्शन नंबर वन, वेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम्स स्लोअर एंड स्लो, गलत हो जाएगा। फिर देयर इज नो इफेक्ट ऑन ब्रीदिंग, गलत हो जाएगा। स्लो एंड डीप, गलत हो जाएगा। फास्ट एंड डीपर सही हो जाएगा, 26 के डी। तो 27 नंबर देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन से फ्रॉम प्लाज्मा टू आर बी सी एंड ऑफ कार्बोनेट आयन्स फ्रॉम आर बी सी टू प्लाज्मा, तो क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, 27 के ए हो जाएगा। 28 देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट इफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्रेन हो जाएगा, 28 का डी। 29 का हो जाएगा, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वियो ऑफ लंग्स टेक्स प्लेस बाई सिंपल डिफ्यूजन, ए हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। 30 का देखते हैं, द एल्वियो ऑफ लंग्स द एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, पहला ऑप्शन देखते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम ओनली नहीं होगा। टू नंबर बी नंबर देखते हैं, एल्वियोलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम सही है, तो 30 का सी हो जाएगा, 30 का सी। 31 का देखते हैं, ऑल्दो मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन ब्लड येट ब्लड डज नॉट बिकम एसिडिक बिकॉज बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड बाई लिकोसाइट, ये भी सही है। फिर बी नंबर, ब्लड बफर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही होगा। तो 31 का बी, 31 का बी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड टू लंग्स, तो ए नंबर देखते हैं, डिजॉल्व इन ब्लड गलत है। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड ओनली, गलत हो जाएगा। 32 सी में इन कम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन ओनली, गलत हो जाएगा। कार्बिनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बिनोक एसिड, तो 32 के डी हो जाएगा, 32 के डी। 33 देखते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिग्मोइड, सिग्मोइड 33 के ए हो जाएगा। 34 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पायरेटरी सरफेस बाई ओनली प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट। फिर ये सही हो जाएगा, प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट, प्लाज्मा गलत हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट गलत हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट एंड लिकोसाइट गलत हो जाएगा। 34 का ए, 34 का ए सही है। फिर 35 देखते हैं, ड्यू टू इंक्रीज एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोलूटेंट्स मेनली मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग ब्रीदिंग ड्यू टू, तो बिगिंस ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नसल कैविटी गलत है। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियल्स सही हो जाएगा, मतलब कि 35 के बी। 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, तो बीच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज ऑफ
यूज टू ऑब्टेन ड्यूरिंग ए स्मैक, इसका तो हो जाएगा आंसर लेटेक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें रिस्पायरेटरी वाला में नहीं पढ़ना है, द गैसियस सिस्टम जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन ये वाला यहाँ पे आ गया तो इसलिए बता दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हेल्थ एंड डिजीज 12th में पढ़ना है। 37 क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो सिलिकोसिस होगा, तो एंथ्रोरासिस गलत हो जाएगा, फिर सिलिकोसिस ये सही हो जाएगा। 38 का देखते हैं, नेम नेम द क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, तो इम्फाइसेमा हो जाएगा, 38 का ए। 39 देखते हैं, नेम द पुलमोनरी डिजीज इन विच एल्वेलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन गैस एक्सचेंज इज ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज इन द एल्वोलर वाल, तो इम्फाइसेमा हो जाएगा, 38 39 का ए। 40 का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट आर रिस्पायरेशन इन हुमेन, सिगरेट स्मोकिंग लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, 40 का ए गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 41 40 का ए गलत हो जाएगा। 42 का, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमेटिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंस्पायर इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, गलत हो जाएगा। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस, तो ये सही हो जाएगा, 40 का सी। 40 का सी। 41 का हो जाएगा, ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्लूजन्स इज मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट, द पेशेंट हैज बीन इनहेलिंग पोल्यूटेड एयर कंटेनिंग अनयूजुअल हाई कंटेंट, तो इसमें हो जाएगा कार्बन कार्बन डाइसल्फाइड नहीं, क्लोरोफॉर्म नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड सही हो जाएगा। 41 के डी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे पढ़ते रहें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट भी करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर आप सॉल्यूशन डिस्क्राइब सॉल्यूशन अगर डिटेल में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू।